हॉकी क्रिकेट के मैदान से लेकर बैडमिंटन कोर्ट तक उत्तराखंड के खिलाड़ियों की प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया ने माना है, लेकिन अब ऐसा होनहार खिलाड़ी और उन्हें तैयार करने वाला प्रशिक्षक सरकार को नहीं मिल रहा। शायद यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने आवेदन मांगने के बावजूद 4 साल से देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार और 3 साल से उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न व लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की घोषणा नहीं कर रही है। 2018-19 में उत्तराखंड देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन इसकी घोषणा नहीं की गई। वहीं रुद्रपुर के बंगाली कॉलोनी निवासी बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार और देहरादून निवासी अरुण कुमार सूद को वॉलीबॉल के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था।